नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भोजपुरी की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जिनकी फिल्म राजा को बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और अब इनकी फिल्म राजा को आज से मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य जगहों पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म राजा को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। दूसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी की एक्ट्रेस काजल राघवानी जी की तरफ से, जिनका इस साल का पहला नवरात्रि वीडियो गाना जिसका नाम है मैया जी के रथवा, फुल वीडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग अनन्या क्राफ्ट एंड विजन यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरी खबर है दोस्तों भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की तरफ से, जिनकी 2019 की फिल्मों में एक और नई फिल्म का नाम जुड़ गया है दोस्तों, जिसका नाम है खेसारी टेंट हाउस। इस फिल्म को खेसारी लाल यादव जी ने साइन कर लिया है दोस्तों। हालांकि अभी इस फिल्म के केवल नाम का ही अनाउंसमेंट हुआ है, इस फिल्म के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है। चौथी खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर और एक्टर प्रमोद प्रेमी यादव जी की तरफ से, जिनकी फिल्म हम किसी से कम नहीं का एक सुपरहिट ऑडियो गाना जिसका नाम है प्यार के रंग उड़ेला, फुल ऑडियो सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग टीम फिल्मर्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। पांचवी खबर है दोस्तों भोजपुरी के एक्टर निवेदन चौधरी की तरफ से, जिनकी फिल्म बीरो के बीर के टीजर को पिछले साल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था और अब इस फिल्म के ट्रेलर को 5 अप्रैल यानी कि आज सुबह 6 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को निवेदन चौधरी और आकांक्षा दुबे की जोड़ी नजर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग बीरो के बीर फिल्म के ट्रेलर को देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। छठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के एक्टर और सिंगर राकेश मिश्रा जी की तरफ से, जिनका एक ऑडियो गाना जिसका नाम है ईमानदार चौकीदार यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग लोटस म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। सातवीं खबर है दोस्तों अभिनेता से निर्माता बने मशहूर कलाकार कुणाल सिंह की तरफ से, जिनकी कॉमेडी जोन की फिल्म चोर पुलिस को आज यानी कि 5 अप्रैल से बिहार के सभी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में आप लोगों को आकाश सिंह यादव, रानी चटर्जी और अंजना सिंह की सुपरहिट जोड़ी देखने को मिलेगी दोस्तों। आठवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से, जिनकी फिल्म क्रेक फाइटर की सफलता की खुशी में क्रेक फाइटर की पूरी टीम ने थावे वाली माता के दर्शन किए, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नौवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी की सिंगर अनु दुबे की तरफ से, जिनका इस साल का पहला नवरात्रि ऑडियो गाना जिसका नाम है आइल नवरात्र यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दसवीं खबर है दोस्तों भोजपुरी के सिंगर समर सिंह की तरफ से, जिनका चैता ऑडियो गाना जिसका नाम है रो रही हूँ गेहूँ काटते काटते यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है दोस्तों, जिसे आप लोग समर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आज की ताजा खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।